की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज है मेरे पास वो है मेरे पास एक्सरसाइज 18 है। एक्सरसाइज 18 है कि सारे क्वेश्चन हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए क्वेश्चन के फॉर्म में, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है? उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अब देखना पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, डिग्री क्या होती है? इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, इसलिए डिग्री हो जाएगा 1। ऐसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2। यहां देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया 2, यानी कि ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री क्या होता है? इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, इसलिए डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 2। अच्छा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, इसलिए डिग्री भी हो जाएगा 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3, ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा? 2। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास? 1, ठीक है। ऐसे ही मैं 6th से लेकर 10th नंबर क्वेश्चन तक नोट करता हूं। अब देखना 6th नंबर क्वेश्चन में, 6th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1 है, क्योंकि dy / dx ही है सिर्फ, तो मेरे पास यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर मेरे पास 1 ही है, इसलिए डिग्री भी 1 ही हो जाएगी। अब देखना अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ऑर्डर तो हो गया मेरे पास 2। लेकिन यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको डिग्री की जो डिफिनेशन है वो आपको अधूरी बताई थी। सबसे पहले यहां लिखते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड, और फिर मैं आपको समझाता हूं कब कब डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। देखना, जब भी कभी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टर्म होगी, उसका पावर या तो फ्रैक्शनल होगा या फिर रेडिकल पावर होगा। रेडिकल पावर मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ऐसा वाला, ठीक है, मतलब 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ऐसा वाला पावर होगा। तो ऐसे केस में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। या फिर दूसरा केस, या तो e के साथ dy / dx हो जाए, या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy / dx हो जाए, या फिर किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ dy / dx हो जाए, तो ऐसे केस में भी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन फंक्शन है, उसके साथ dy / dx है, यानी कि इस केस में भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, डिग्री तो डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? dy / dx, यानी कि 1 है, तो यहां हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखना 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4, क्योंकि डी 4y / डी एक्स 4 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास 4 है, यानी कि ऑर्डर मेरे पास 4 हो जाएगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर dy / dx वाला टर्म है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। और डिग्री क्या हो जाएगा? इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, इसलिए डिग्री हो जाएगा 1। अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सर आपने तो बताया था लॉग होगा तो हम लोग डिग्री नॉट डिफाइन करते हैं। हाँ, मैंने बताया था लॉग होगा, लेकिन लॉग के अंदर dy / dx या फिर dy / dx की कुछ पावर या फिर dy / dx की कुछ डेरिवेटिव होनी चाहिए आगे। जैसे यहां पे dy / dx को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, dy / dx मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे कैसे बोल देंगे? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर तुम यहां भी बोलोगे कि साइन के अंदर x है, नॉट डिफाइंड बोल देंगे, लेकिन नहीं, साइन के अंदर dy / dx जैसी कुछ चीज बननी चाहिए, तब जाके नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अब यहां देखते हैं, यहां पे मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हर जगह दूसरा dy / dx ही दिख रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 ही है, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? सर एक जगह तो 3, एक जगह 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन है मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 1, इसलिए डिग्री हो जाएगा मेरे पास 1। अब 13th नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। अब देखना 13th नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, dy / dx को LCM लेते हैं, और यहां कितना हो जाएगा? x dy / dx का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 9 dy / dx, और यहां कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, dy / dx को उस साइड ले जाता हूं, तो मेरे पास यहां पे कितना हो जाएगा? x dy / dx का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 dy / dx इज इक्वल टू y स्क्वायर dy / dx। अब देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हर जगह dy / dx ही है, इसलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो इसलिए मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर तो 2 है, इसलिए मेरे पास डिग्री क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, तो ऑर्डर 1, डिग्री 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखना 14th नंबर क्वेश्चन,
लेकिन ना जब मैंने आपको बताया था डिग्री की डिफिनेशन कि कहाँ कहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया था जब भी पावर फ्रैक्शन में हो, रेडिकल्स हो, मतलब 1/3, 1/2 फ्रैक्शनल पावर हो, तब जाके मेरे पास डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगा? नहीं। आप अगर ढंग से देखो तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल पावर में ला सकता हूं। तो मतलब सबसे पहला आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए, क्या मैं उस टेढ़े मेरे पावर को, फ्रैक्शनल पावर को सिंपल पावर में ला सकता हूं? अगर आप ले आए तो इसका मतलब उसका डिग्री डिफाइन होगा। जैसे मैं लाता हूं, पहली बार मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। स्क्वायर करने के साथ मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 1 - dy/dx का होल स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा a, यहां d स्क्वायर y, यहां dx स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड क्यूब भी कर रहा हूं। अगर मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा यहां कितना हो जाएगा, 1 - dy/dx का होल स्क्वायर, और यहां कितना क्यूब, और यहां कितना हो जाएगा a d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और अगर मैं क्यूब करूंगा तो नीचे वाला ट्री कट जाएगा, यहां हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब देखते हैं यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव सर तो d स्क्वायर / dx स्क्वायर है, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है 2, इसलिए डिग्री भी हो जाएगा 2। अब देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ मेरे पास √1 - y² और यहाँ dx प्लस √1 - x² और यहाँ dy इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - √1 - y² यहाँ dx इक्वल टू −√1 - x² और यहाँ dy। तो मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास √1 - y² और नीचे कितना −√1 - x². तो देखना यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, इसलिए डिग्री भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, y³ + y²/sin y′+1=0। अब देखना y" क्या होता है, y" होता है d²y/dx² का क्यूब, प्लस y' क्या होता है dy/dx और का स्क्वायर, प्लस साइन y' क्या होता है sin dy/dx + 1=0। अब इसका मुझे हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है मेरे पास d²y/dx², इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और डिग्री क्या होगा, क्या डिग्री में 3 बोल दूं, क्योंकि 3 तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर है। लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था जब भी आपको डिग्री पूछे आप चेक कर लो कि कहीं कोई फ्रैक्शनल पावर तो नहीं बन रहा, कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर dy/dx वाली टर्म तो नहीं बन रही। हाँ बन रही, यहां बन रही है, इसका मतलब इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन अगले पेज पे। अब 17th नंबर क्वेश्चन देखना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 3x + 5y, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास dy = 4x²dx। तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x²/3x + 5y। अब देखना यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy/dx ही है, इसलिए मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, डिग्री क्या होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो कि मेरे पास 1 है, इसलिए डिग्री भी हो जाएगी 1। अब देख लेते हैं 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, y = dy/dx + 5/dy/dx। एक काम करते हैं dy/dx LCM ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू में y, तो y यहाँ पे dy/dx और इज इक्वल टू कितना dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है dy/dx, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अच्छा डिग्री क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए मेरे पास डिग्री हो जाएगी 2। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।